हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक एडवाइज़र। तो आज हम बात करेंगे ऑटो सेल काउंट्स के बारे में, जो अभी रिसेंटली आए हैं फेव 2019 के बारे में। देखिए, ऑटो सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जहां हम उसके रिज़ल्ट कुछ आप रिज़ल्ट आने से पहले ही हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो उसका एक रीज़न होता है कि ऑटो सेल काउंट्स। तो हर एक ऑटो सेगमेंट की कंपनी हर मंथ एंड में अपना सेल काउंट्स बताती है। इसके चलते ये शेयर्स के जो रिज़ल्ट होते हैं, क्वार्टरली जो रिज़ल्ट होते हैं, वो ज़्यादा प्रेडिक्टिव बन जाते हैं। अगर आप कोई आईटी सेक्टर्स की कंपनी की बात करें या फिर एफएमसीजी की बात करें, तो देखिए रिज़ल्ट आने तक सस्पेंस बना हुआ रहता है। बट ये ऑटो सेगमेंट ऐसा है जहाँ हम मंथ एंड हर एक मंथ एंड के अगर ऑटो सेल काउंट्स अगर निकाल ले, तो वहाँ से हमें इस कंपनियों के रिज़ल्ट कैसे आए गए ये ज़्यादा प्रेडिक्टिव बन जाते हैं। ठीक है, तो अभी रिसेंटली ही ऑटो सेगमेंट के सेल काउंट्स आए हैं, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन 5 शेयर्स की बात करेंगे और इनके जो ऑटो सेल काउंट्स आए हैं उनके बारे में भी जानेंगे और इनमें किस प्रकार की पोजीशंस बन रही है या फिर हम इस शेयर्स में क्या करें, आगे की रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, तो यह है मेरी आज की वीडियो की आउटलाइन। तो सबसे पहले मैं सेल काउंट बताऊंगा फेव 2019 का, फिर उसके बाद हम चार्ट एनालिसिस, कुछ सिलेक्टिव स्टॉक के हम चार्ट एनालिसिस करेंगे, और आखिर में मैं अपने आप की खुद की एक सेफ रिकमेंडेशन भी दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूले, और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अभी मैंने सेल काउंट्स आपके सामने लगा दिए हैं, स्पेशली कुछ स्टॉक को मैंने ग्रीन में मार्क भी कर दिया है। देखिए, ऑटो सेगमेंट की सेल काउंट की बात करें तो फेव मंथ भी ऑटो सेल्स के लिए बहुत ही डाउन रहा है, और वो हमें इस चार्ट के माध्यम से दिखाई भी दे रहा है। देखिए, अशोक लेलैंड से हम शुरुआत करते हैं। अगर हम ये देखिए, पहले जो सेल काउंट्स दिए हुए आपके सामने, ये ईयर ऑन ईयर के ऊपर है। दूसरी बड़ी बात कि ये डोमेस्टिक सेल्स है। ठीक है, क्योंकि ये कंपनी फॉरेन में भी अपने ऑटो को एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, तो ये बस डोमेस्टिक सेल काउंट से, बट देखिए इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो कंपनीज़ हैं इनका डोमेस्टिक सेल्स बहुत ज़्यादा होता है, और इनका जो प्रॉफिट आता है उसमें तकरीबन 70-80% कंट्रीब्यूशन डोमेस्टिक सेल्स का ही होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नंबर होते हैं अगर हम किसी ऑटो सेगमेंट को एनालाइज करते हैं। तो अब हम अशोक लेलैंड से शुरुआत करते हैं। अब मैंने आपके सामने तीन कॉलम लगा दिए हैं, तो हम अशोक लेलैंड से शुरुआत करते हैं। देखिए, फेव 2019 और फेव 2018 में 1% की जंप नज़र आ रही है, तो मार्जिनल इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है अशोक लेलैंड में। बट अशोक लेलैंड में हाल फिलहाल में हमें बहुत ही ज़्यादा गिरावट भी देखने को मिली है, तो इसी के चलते ये शेयर्स में थोड़ी सी हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ये शेयर्स नीचे गिर चुका है। तो मैंने इसको ग्रीन मार्क किया है कि भाई आप इसको अपने वॉच लिस्ट में लगा के रखो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गिर चुका है, ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। देखिए, 1% की भी जंप, मामूली जंप, तकरीबन फ्लैट ही सेल्स रहा है, बट फिर भी ये शेयर्स थोड़ा सा और आगे बढ़ सकता है, 100 तक भी ऊपर जा सकता है, तो इस शेयर्स को अपने वॉच लिस्ट में लगा के रखिए। टाटा मोटर्स की बात करिए, देखिए सेल काउंट्स, डोमेस्टिक सेल काउंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं JLR, जैगुआर एंड लैंड ओवर की तो बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। टाटा मोटर्स का जो डोमेस्टिक सेल काउंट है, वहाँ 3% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर हम यहाँ सेल काउंट के बेसिस पर बात करें कि टाटा मोटर्स के आने वाले दिन में किस प्रकार की कंडीशंस रहेगी, तो मैं कहूँगा कि पुअर ही रहेंगी। बट रिसेंटली इनकी जो न्यूज़ आई है कि वो JLR में अपनी कुछ स्टेक है वो बेचना चाहते हैं और एक जॉइंट वेंचर क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसी के चलते ये शेयर्स थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। ठीक है, बट अगर सेल काउंट्स की बात करें तो टाटा मोटर्स का भी पुअर है। मारुति सुजुकी जो सबसे बड़ी कंपनी है ऑटो सेगमेंट की, वहाँ भी हम देख सकते हैं कि इनके इसमें भी मार्जिनल गिरावट हमें देखने को मिल रही है। हाल फिलहाल में ये शेयर्स भी थोड़ा सा करेक्ट हो चुका है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मारुति सुजुकी ये मंथ में भी टोटली फ्लैट ही रहेगा, इसमें कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मुझे देखने को नहीं मिलेगी अगर हम इस पूरे मंथ की बात करें मार्च 19 की। तो ठीक है, तो ये शेयर्स को इसलिए मैंने ग्रीन नहीं किया क्योंकि ये पूरे मंथ में फ्लैट ही रहने वाला है।
अब महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो वो भी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही नीचे तक गिर चुका है। रिसेंटली बात करें तो इसने 6/12 का 52 वीक लो भी बनाया था। और अगर हम इन पांचों कंपनियों की बात करें तो सबसे ज़्यादा चेंज मुझे महिंद्रा एंड महिंद्रा में दिखाई दे रहा है। तकरीबन 9% का ग्रोथ हमें नज़र आ रही है। तो सबसे ज़्यादा अच्छे सेल काउंट्स FY19 के महिंद्रा एंड महिंद्रा के नज़र आ रहे हैं। और इसमें भी हमें हाल फिलहाल में बहुत ही ज़्यादा गिरावट भी देखने को मिली थी। तकरीबन ये शेयर्स अपने 52 वीक हाई से तकरीबन 40% तक नीचे गिर चुका है। तो देखिए, इस शेयर्स को इसलिए मैंने ग्रीन किया है क्योंकि आप इस शेयर्स को अपनी वॉचलिस्ट में लगा के रखिए। आइचर मोटर की बात करिए, देखिए दिसंबर के जो इनको इनके जो सेल काउंट्स आए थे December 18 के, उसमें 20% की गिरावट थी। इसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट हमें इस स्टॉक पे दिखाई दिया था और इसी के चलते इस शेयर्स में हमें हेवी गिरावट भी देखने को मिली। फेब में January 19 का इनका जो सेल काउंट्स था आइचर मोटर का, वो ठीक ठाक नज़र आया। बट अगर हम यहाँ बात करें फिर February 19 का, तो वहाँ देखिए हम 14% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। स्पेशली मैंने ना ब्रैकेट में डाला है, जो सेल काउंट्स दिया है वो मोटरसाइकिल्स का है। इनके जो हेवी व्हीकल्स है उसका सेल काउंट्स अभी तक कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किया है। इसलिए और मे बी ये शेयर्स में हमें कुछ और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इन पांचों कंपनियों में से अगर मैं इस मंथ में किसी शेयर्स में पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में सोचता हूँ, देखिए वैसे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप अशोक लेलैंड में कल माल उठा लो या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा में माल उठा लो, बट अगर आप ऑटो सेगमेंट में किसी प्रकार का पोजिशनल ट्रेडिंग खेलना चाहते हो तो आपको अशोक लेलैंड एक अच्छा ऑप्शन है। महिंद्रा एंड महिंद्रा भी एक आपके लिए सेफ ऑप्शन हो सकता है। ऐसे बात करें तो टाटा मोटर्स भी है, क्योंकि इसमें अभी जो अपनी स्टेक बेचने की जो खबरें चल रही है वो भी जोरों पर है। तो डेफिनेटली इसमें भी एक पोजिशनल ट्रेडिंग का चांस बनता है। बट देखिए, ये बातों पे चल रहा है, एक न्यूज़ फ्लो इसको ड्राइव करने वाला है। बट अगर अशोक लेलैंड और महिंद्रा एंड महिंद्रा ऊपर भागते हैं तो उसको ड्राइव करने के लिए उसका सेल काउंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। तो हम न्यूज़ से ज़्यादा अगर रियल फैक्ट पर या फिर बोले फिजिकल फैक्ट पर हम ज़्यादा फोकस करें तो अच्छा होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं अशोक लेलैंड और महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट एनालिसिस करूँगा, क्योंकि इनके सेल काउंट्स भी अच्छे आए हैं। और हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर 1 मंथ की हम इसमें पोजीशंस बनाते हैं या फिर बनाने की सोचते हैं तो हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपके सामने अशोक लेलैंड का 1 ईयर का चार्ट लगा दिया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रिसेंटली इसने एक बुलिश क्रॉस ओवर जनरेट किया था, उसके बाद कंसिस्टेंटली शेयर्स में हमें तेज़ी देखने को मिली है। हाँ, पूरे साल भर की बात करें तो ये शेयर्स में हमें बहुत ही हेवी गिरावट देखने को मिली थी। RSI की भी बात करें तो वो भी अपवर्ड डायरेक्शंस में है और वैल्यू है 54। चार्ट को थोड़ा सा मैं क्लोज लेके जाता हूँ 3 मंथ पे। देख सकते हो इसने रिसेंटली अपना लो बनाया तकरीबन 78-77 के आसपास, और उसके बाद इस शेयर्स में हमें कंसिस्टेंटली तेज़ी देखने को मिली है। RSI मैंने पहले बोला कि अब ये ग्रीन कैंडल्स है वो और मजबूती के संकेत दे रहे हैं स्टॉक में। RSI भी अपवर्ड डायरेक्शंस में है, 54 RSI नज़र आ रहा है और अपने ऑल मूविंग एवरेजेस के नीचे ये शेयर्स ट्रेड कर रहा है। तो ये थोड़ा संकेत दे रहे हैं कि शेयर्स और ऊपर जा सकता है। देखिए, ऑटो सेगमेंट की सेल काउंट की बात करें तो अशोक लेलैंड के ऑटो सेल काउंट्स तकरीबन फ्लैट है, बट फिर भी बाकी कंपनियों से अगर हम अशोक लेलैंड को कंपेयर करें तो इसका जो ऑटो सेल काउंट्स है वो अच्छे ही नज़र आ रहे हैं। तो मुझे लगता है इस शेयर्स में और तेज़ी बनी रह सकती है। ये अब कितने दूर तक ऊपर जा सकता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, शेयर्स में हाल फिलहाल में बहुत ही गिरावट हमें देखने को मिली है। एक टाइम्स था जब ये शेयर्स 100 के आसपास चल रहा था और बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस ने बोला था कि बाय कर लो बाय कर लो। फिर ये 90 के आसपास थोड़ा यहाँ स्टेबल हुआ, 90-94 के आसपास, तो यहाँ बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस ने बोला भाई माल उठा लो। फिर भी ये शेयर्स नीचे गिरता गया और यहाँ इसने अपना बेस बनाया तकरीबन एक 82-78 के आसपास। ये शेयर्स काफ़ी टाइम तक ट्रेड हुआ और उसके बाद ये शेयर्स एक अच्छा पिकअप पकड़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और सेल काउंट्स की बात करें तो वो भी फ्लैट है। तो इस मंथ के लिए अगर इस शेयर्स में मैं टारगेट की बात करूँ तो ये शेयर्स 100 रुपीज़ तक ऊपर जा सकता है। यहाँ से मुझे नहीं लगता कि ये शेयर्स हमें और ज़्यादा नीचे देखने को मिल सकता है। जैसे हम बात करें कि इसका 52 वीक तकरीबन 76-78 के आसपास है, तो मुझे नहीं लगता कि शेयर्स फिर एक बार उस प्राइस तक जाएगा।
तो यहाँ से नीचे आने के चांसेस बहुत ही कम है। फिर भी अगर यहाँ से शेयर्स नीचे जाता है, मे बी आने वाले दिनों में कुछ न्यूज़ भी आ सकती है जो बैड भी हो स्टॉक के लिए, तो फिर भी हम इसको स्टॉप लॉस की बात करें तो आप 80 रुपीज़ के आसपास इसका स्टॉप लॉस लगा के चलिए, और टारगेट की बात करें तो मैं बोलूँगा 100 रुपीज़ आप इसका टारगेट रख के चलिए फॉर द 1 मंथ, क्योंकि सेल काउंट इसका जो फ्लैट आया है और पोजिशंस भी चार्ट पर कंडीशन भी मुझे अच्छी नज़र आ रही है। तो ये मेरी राय थी अशोक लेलैंड के बारे में, आप खुद भी स्टडी करिए और उसके बाद डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में। अभी ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का 1 ईयर का चार्ट है, देख सकते हो 1 साल पहले शेयर्स ने अच्छा ग्रिप पकड़ा था और तकरीबन यहाँ जाके इसने तकरीबन 990 के आसपास अपना हाई बनाया था। उसके बाद कंसिस्टेंटली इस शेयर्स में हमें गिरावट देखने को मिली क्योंकि पूरा ऑटो सेगमेंट ही डाउन था। अब हम बात करें तो इसने यहाँ का अपना लो बनाया तकरीबन 690 के आसपास, 690 या फिर 620 के आसपास। अब मैं चार्ट को थोड़ा सा क्लोज लेके जाता हूँ, देख सकते हो शेयर्स ने 690 का लो बनाने के बाद शेयर्स ने एक स्मॉल ग्रिप पकड़ी है। जैसे अशोक लेलैंड में हमने देखा कि शेयर्स कुछ ज़्यादा ही ऊपर भाग रहा था, चार्ट वहाँ ज़्यादा ही पॉजिटिव नज़र आ रहा था। महिंद्रा एंड महिंद्रा में मुझे उतनी स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है क्योंकि देखिए कैंडल हमें ये दिखाई दे रही है ग्रीन कैंडल, बट बहुत छोटी छोटी ग्रीन कैंडल ये नज़र आ रही है। तो शेयर्स बहुत स्मॉल स्मॉल स्टेप बढ़ा रहा है ऊपर जाने के लिए। एमएससीडी की बात करें तो यहाँ एक बुलिश क्रॉस ओवर जनरेट हो गया था, उसके बाद शेयर्स में हल्की तेज़ी हमें देखने को मिली है। आरएसआई की भी बात करें तो तकरीबन स्ट्रेट आरएसआई नज़र आ रहा है, मतलब कुछ एकदम मार्जिनली ऊपर है आरएसआई और अपवर्ड डायरेक्शंस में है, और आरएसआई की वैल्यू है 42, तो अंडर वैल्यूड ही नज़र आ रहा है आरएसआई पर। एमएससीडी के ऊपर भी हमें तेज़ी के संकेत मिल रहे हैं और चार्ट भी हमें ऐसे बता रहा है कि इसमें एक मार्जिनल एक स्मॉल स्टेप में तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है, मतलब छोटी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। जिस प्रकार से हम इसके सेल काउंट की बात करें तो 9% का इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है ईयर ऑन ईयर के ऊपर डोमेस्टिक सेल्स में। तो देखिए चार्ट तो हमें बता रहा है कि इसमें एक स्मॉल सी एक धीरे धीरे हमें तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है, अगर बट अगर हम सेल काउंट्स से इसको अगर कोरिलेट करते हैं तो देखिए कल शेयर्स ज़्यादा ही तेज़ ऊपर होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, तो इसमें भी तेज़ी बनी रह सकती है। ओके, तो इसके लिए मैं अगर स्टॉप लॉस की बात करूँ जो रिसेंट लो था इसका, क्योंकि देखिए इसमें तेज़ी बनी है बट एकदम स्मॉल स्टेप बाय स्टेप ये शेयर्स ऊपर जा रहा है। अशोक लेलैंड में हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी, उतनी अच्छी तेज़ी उतनी तेज़ी मुझे महिंद्रा एंड महिंद्रा में दिखाई नहीं दे रही है, बट फिर भी सेल काउंट की बात करें तो अच्छा है महिंद्रा एंड महिंद्रा के। तो यहाँ से अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करी तो 620 के आसपास आप इसका स्टॉप लॉस लगा के चलिए। टारगेट की बात करें तो देखिए एक टाइम्स था कि ये शेयर्स कुछ तकरीबन फेव के सॉरी दिसंबर मंथ में तकरीबन 800 रुपये के आसपास भी चला गया था, उतने में शेयर्स को अपवर्ड एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, बट फिर भी यहाँ से अगर मैं ऊपर जाने की बात करूँ तो शेयर्स को 1 मंथ के लिए टारगेट ये प्राइस रेंज बाउंड में, देखिए यहाँ जाके शेयर थोड़ा सा स्टेबल हो चुका था तो इसका टारगेट मैं 730 दूंगा अगर आप इसको 1 मंथ के लिए होल्ड करना चाहते हो तो। ठीक है, ये मेरी रिकमेंडेशन थी, आप खुद भी स्टडी करिए, खुद भी रिसर्च करिए और उसके बाद ही डिसाइड करिए कि आपको इस शेयर्स में क्या करना था। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट।